नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। गढ़वा से विकास कुमार की रिपोर्ट। नगर परिषद अध्यक्ष पिंकी केसरी के द्वारा 500 से अधिक कंबल का वितरण किया गया। गढ़वा नगर परिषद अध्यक्ष पिंकी केसरी के द्वारा असहाय गरीब परिवार को कड़ाके की ठंड में कंबल वितरण अल्पाहार के साथ किया गया। गरीब असहाय व निराश्रितों को ठंड से निजात दिलाने के लिए नगर परिषद अध्यक्ष पिंकी केसरी के आवास प्रतीक्षा सोनपुरवा में कंबल वितरण कैंप लगाया गया। कैंप में 600 जरूरतमंदों को कंबल दिया गया। इस मौके पर नगर परिषद अध्यक्ष पिंकी केसरी ने कहा कि कोई भी गरीब असहाय व निराश्रित व्यक्ति ठंड की मार से पीड़ित ना हो, ऐसे व्यक्तियों को कैंप आदि के माध्यम से कंबल वितरण कराया जाए, जिससे वे ठंड के प्रकोप से बच सके। कंबल वितरण कैंप को संबोधित करते हुए अध्यक्ष प्रतिनिधि संतोष केसरी ने कहा कि पूरे नगर परिषद में अध्यक्ष पिंकी केसरी के आदेश पर पहले सभी 21 वार्डों में 40-40 पीस कंबल वितरण वार्ड पार्षद के माध्यम से हो चुका है। नगर परिषद गढ़वा के हर असहाय व्यक्तियों को कंबल का लाभ मिल रहा है। नगर परिषद अध्यक्ष पिंकी केसरी ने कहा कि हर वर्ष नगर परिषद गढ़वा के द्वारा करीब 2500 से 3000 कंबल वितरण किया जाता है और आगे भी किया जाएगा, तथा उन्होंने ये भी कहा कि हर वर्ष की तरह नगर परिषद गढ़वा रोजाना एक महीने से नगर परिषद गढ़वा के सभी सार्वजनिक जगहों एवं चौक चौराहों पे अलाव की व्यवस्था करा रही है। आज नगर परिषद में 500 कमल का वितरण किया गया है। गरीब, विकलांग, बेसहारा 2100 वार्ड में हम लोग कमल का वितरण किए हैं और हर साल इसी तरह कार्यक्रम करते रहेंगे। गरीब का सहारा बनते रहेंगे हम लोग और इसी तरह कार्यक्रम चलते रहेगा। देखिए, नगर परिषद गढ़वा के द्वारा अभी तक कम से कम हर एक वार्डों में 40-40 पीस कंबल बढ़ चुका था, लेकिन लगा कि अभी और गरीब असहाय ऐसे लोग हैं जिसको कंबल नहीं मिला है। तो आज नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती पिंकी केसरी और उनके सारी टीम और हमारे जो सहयोगी भाई बंधु की ओर से आज पूरे वैसे व्यक्ति को चिन्हित करके कम से कम हर एक वार्ड से 25-25 लोगों को और चिन्हित कर करीब 500 से 600 कंबल और आज वितरण किया गया। आगे भी इस तरह का कार्यक्रम है कि आपको मैं बता दूं कि कोई भी फिर से हम लोग चिन्हित कर रहे हैं। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो मतलब और बच गए होंगे, तो अगले सप्ताह अगर ठंड पड़ती रह गई तो फिर कंबल का वितरण किया जाएगा। इस तरह से आज कुछ नया साल था, कुछ अल्पाहार की भी व्यवस्था थी, सभी गरीब असहाय परिवार को अल्पाहार के साथ कंबल का वितरण किया गया। नगर परिषद क्षेत्रों में अलाव की व्यवस्था जो है कंप्लीट। मैं आपको बता दूं, 12/12/2022 इसकी शुरुआत अलाव की गई थी और अभी तक आज तक कंटिन्यू वो चल रही है। आगे जब तक ठंड कपकपाती ठंड रहेगी तब तक अलाव की व्यवस्था रहेगी। नगर परिषद किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो हमारा आवास प्रधानमंत्री आवास योजना हो, शौचालय की व्यवस्था हो, सफाई की व्यवस्था हो, स्वच्छ भारत मिशन की व्यवस्था हो, चाहे आश्रय गृह की व्यवस्था हो, चाहे वार्ड विकास केंद्र की व्यवस्था हो, चाहे PCC सड़क रोड नाली की व्यवस्था हो, आप देखते होंगे पूरे एक शहर में लंबा लंबा RCC नाली का निर्माण हो रहा है, पूरा नाली का जाल बिछा हुआ है। अभी देखिए बस स्टैंड बन रहा है, नीलाम्बर पीताम्बर पार्क का उद्घाटन हुआ, टाउन हॉल का 26 तारीख को उद्घाटन होने जा रहा है। इस तरह से अभी देखिए मझिया मोड़ पर फ्लैग का निर्माण हो रहा है, शहरी जलपूर्ति योजना का 60% से ज्यादा कनेक्शन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभी देखिए आपका सॉलिड बेसमेंट कचरा डंपिंग यार्ड का कार्य शुरू होने जा रहा है। हमको लगता है कि कोई ऐसा कार्य नगर परिषद में नहीं है, विपक्ष के पास मुद्दे नहीं रहेगा, खोजेगा 365 दिन की मुद्दा के लावे तक क्या लावे। सारा नगर परिषद और हमारे जितने जनप्रतिनिधि हैं, हमारे ऊपर के भी जनप्रतिनिधि जो हमारे माननीय विधायक मंत्री हैं, उनके द्वारा भी पूरी कदम से कदम मिला के सहयोग विकास कार्य क्षेत्र में हो रहा है। जनता का सहयोग मिल रहा है, भाई बंधु का सहयोग मिल रहा है। मैं फिर से एक बार सभी को बधाई शुभकामना देता हूं और गरीब के लिए जो भी स्कीम योजना नगरपालिका में रहेगी उसे पूर्णतः की जाएगी।